controversy surrounded Sardar Singh over his Khel Ratna Award, and the former Indian hockey captain speaks to NNIS on how his focus remains on the game despite off-field problems and how he will celebrate his moment of glory tonight. और मेरा यही टारगेट है कि जो भी हमारे नेशनल कैंप लग रहे हैं जो भी ट्रेनिंग हो रही है उसको अच्छे तरीके से करूं और लास्ट टाइम मैं सचिन पाजी को मिला था और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली थी कि आपका जो फोकस है हॉकी के ऊपर रहना चाहिए जैसे ये अवार्ड हैं ये सारे आपके पास ही रहेंगे तो एक्चुअली टारगेट ये है कि कंट्री की तरफ से जो आने वाले टूर्नामेंट हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ और जो बाकी बाहर की चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर अभी बिल्कुल फोकस नहीं है. इस अवार्ड का सोचा नहीं था. लास्ट जब मेरे को इसकी खबर मिली कि आपका नाम नॉमिनेट हुआ है तो उस टाइम मैं बेंगलोर कैंप में था तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक प्राउड मोमेंट थी और कह सकता हूँ कि जिस टाइम मेरा नाम नॉमिनेट हुआ है इस अवार्ड के लिए. बिल्कुल मैडम मैं कहूँगा कि एक हॉकी लवर्स के लिए पूरे हमारे हॉकी फैंस हैं जो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट है और हमें दो प्लेयर्स को और एस वी सुनील काफ़ी टाइम से मेरे साथ हम दोनों खेल रहे हैं और बिल्कुल मैडम एक प्राउड मोमेंट है हमारे दोनों के लिए. नहीं देखिए मैडम मैं फ़िलहाल इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता बट जो भी डॉक्यूमेंट्स थे या जो भी हुआ था जो पंजाब से क्लीन चिट थी फिर उसके बाद चंडीगढ़ से वो सारी मैंने मिनिस्ट्री को दिखाई है उनको दी भी है. देखिए मैं कहूँगा कि हमारे जो नामदारी गुरुजी हैं बिल्कुल उस टाइम उन्होंने 98 में वो एकेडमी स्टार्ट की उससे पहले एकेडमी नहीं थी और हमारी उस एकेडमी के लिए सिलेक्शन हुई फिर हमने उस एकेडमी में आके जो भी डोमेस्टिक लेवल के टूर्नामेंट थे उसमें परफॉर्म किया और उसके बाद हमारी नेशनल टीम में सिलेक्शन हुई तो मैं कहूँगा कि पूरा क्रेडिट मेरा हमारे जो गुरुजी हैं नामदारी लीजिए उनको जाता है. मैं कहूँगा कि ये आज मम्मी डैडी मेरे साथ में आए हैं और उनके साथ शाम को इस अवार्ड के बाद नॉर्मली हम सभी एथलीट्स के साथ बैठेंगे और या इसको एंजॉय करेंगे.